वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और देखिए, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आप कहोगे सर क्या खास होने वाला है इस सीरीज में? इस सीरीज की खास बात ये कि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है तो आप सभी को पता ही है, लेकिन ये ना ऐसी बहुत सी डिग्री कराती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। कई बार हम किसी नौकरी को आप स्कूल में लाइब्रेरियन टीचर को तो देखते ही होंगे। आपने बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में एक व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठा हुआ देखा होगा और आपको उसे देखकर लगता होगा कि काश मेरी भी यही सरकारी नौकरी होती, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसी ही कुछ डिग्रियां जो हमें नहीं पता और इग्नू कराता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसकी ड्यूरेशन होती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, और साथ साथ में आपको भी बताऊंगा क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है। तो डेली एक क्लास मैं ऐसी लूंगा जिसमें मैं आपको एक नई डिग्री के बारे में बताऊंगा। हर डिग्री की यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी डिग्री है वो भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि हो सकता है आज तक तुमने इसके बारे में ना ही सुना हो। चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू। ये है आपकी इग्नू वाला की इन्फॉर्मेशन क्लास, और यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, पहली डिग्री जो आपको साफ साफ दिखाई देगी, दैट इज इन्फॉर्मेशन साइंस। उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। शॉर्ट फॉर्म में इस डिग्री को कहते हैं हम BLIS। क्या कहते हैं दोस्तों? BLIS, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरियन एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। आप कहेंगे सर तो बीलिप की डिग्री होती है, ये बैचलर डिग्री होती है, इसके बारे में थोड़ा कुछ हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल, मैं आपको इस क्लास में इसके बारे में बिल्कुल इस तरीके से बता दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे इसके बारे में इस तरीके की बातें किसी ने नहीं बताई होगी। बिल्कुल सरल शब्दों में अगर आप समझें तो ये जो बैचलर डिग्री है, कहने के लिए बैचलर डिग्री है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मान सकते हैं। नाम इसका भले ही बैचलर डिग्री है, लेकिन आप इसे पीजी डिग्री मान के चलिए। कारण मैं आपको बताऊंगा इसके दो। पहला कारण तो इसका यह है कि इसे करने के लिए आपके पास पहले से ही एक बीए की यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या आपकी बीबीए हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं इग्नू में बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरियन। ये तो इसकी सारी जॉब्स आपको लाइब्रेरी में ही मिलती हैं, चाहे वो सरकारी लाइब्रेरी हो, चाहे प्राइवेट लाइब्रेरी हो, या किसी स्कूल की लाइब्रेरी हो दोस्तों। दूसरी बात, इस कोर्स को करने में मिनिमम कितना समय लगता है? तो याद रखिए, ये जो बैचलर डिग्री है ये मात्र एक साल की बैचलर डिग्री है। आप कहोगे सर एक साल की और बैचलर डिग्री? बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ये बैचलर डिग्री केवल और केवल एक साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। डन। दूसरी बात, आपको पता है इग्नू वाले जो होते हैं इन्हें आपकी सच्चाई का पहले ही पता होता है। उन्हें पता होता है कि एक साल में तो तुझे नहीं होगी, एक बार तो हम तुझे कंपार्टमेंट वाला लटकाएंगे ही लटकाएंगे, तो इसके लिए एक साल यहाँ पर एक्स्ट्रा दी जाती है। तो आप इस डिग्री को कम से कम दो साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में दोस्तों डिग्री केवल एक ही साल की है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। कोर्स की फीस की बात करें तो मामूली सी कोर्स फीस यहाँ पर रखी गई है, मात्र 7,900 रुपये। ये मात्र केवल उनके लिए है, ये जो मात्र शब्द जो मैंने लगाया उनके लिए है जिनके पास रोजगार और पैसा है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जो घर बैठ के इस डिग्री के सपने देख रहे हैं, उनके लिए इसकी फीस है बहुत 7,900 रुपये, तो मात्र वो ना लगाएं। इसके अलावा अगर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो इस डिग्री को करने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है और ना ही कोई मैक्सिमम एज है। यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और चाहे आपकी उम्र 21 इयर्स हो, तो इसकी मिनिमम एज कम से कम 21 इयर्स आप मान के चल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज तो इसकी टिल डेथ तक चलती है। यानी अगर आप मौत की संख्या पर भी लेटे हैं तब तक भी आप इस डिग्री को कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल मजाक की बात है, इस बात को आप सीरियस ना लें, कभी कमेंट बॉक्स में भर दें सर कैसी कैसी बात आज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी सी बात आपको जनरल नॉलेज समझ में आई होगी कि बैचलर्स जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस जो आपकी है, ये लाइब्रेरी से ऐसी डिग्री है क्या। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी एलिजिबिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कंटेंट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों या नहीं। बिल्कुल आपको थोड़ी थोड़ी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तो चलिए चेक करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, हम क्या क्या हमारे पास होना चाहिए जब हम इस डिग्री को करने जाए। तो जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास इनमें से कोई तीन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, तीन एलिजिबिलिटी लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है तो आप इस डिग्री को कर सकते हैं। देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% पे भी काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। अगर फॉर एग्जांपल आप बीलिव करना चाहते हैं और आपके पास पहले से डिप्लोमा है लाइब्रेरियन साइंस में, तो भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो भी आप इस डिग्री को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन बनी है तो आप इससे भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री विद 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपके पास बैचलर डिग्री है और लाइब्रेरी में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो ये डिग्री आपके लिए मामूली सी डिग्री होने वाली है।
उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वालिफिकेशंस के बारे में भी आप क्या करेंगे, इस क्वालिफिकेशंस के बारे में भी आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के क्वालिफिकेशन में हम ये कह सकते हैं कि आपके पास होनी चाहिए केवल और केवल एक बैचलर डिग्री। डन, तो आप इस बी लिप के कोर्स को कर सकते हैं। इसमें मैं एट द एंड ऑफ दिस क्लास ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बेस पर नौकरी कहाँ मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में रोजगार घूम रहा होता है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं इसके जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ये कुछ कोर्स कोड है, जैसे कि आपका बी एल आई 221, 222, 223, 224, 225, 226 है ना। ये जो 226 वाला है इसको अंडरलाइन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। 227, 28, 29, 30 टोटल आपको कितने कोर्सेज में दिखाई दे रहे होंगे, टोटल 10 किताबें आपको एक साल में पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति नहीं हैं और आपके पास किस कोर्स को करना नहीं है तो अपने पैसे बर्बाद ना करें, लेकिन वास्तव में अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये है। साथ साथ एक बात आप याद रखें, ये किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है जहाँ आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, जहाँ आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, है ना। और एक बात और याद रखना है, पूरा कोर्स दोस्तों इंग्लिश मीडियम होता है ना, इसमें कुछ भी हिंदी में नहीं होता, ये कोर्स इंग्लिश मीडियम होता है। हालांकि कुछ लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, पर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आप बीलिप की डिग्री कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसे इंग्लिश मीडियम से ही करें। तो ये कुछ बुक्स के नाम आपको दिखाई दे गए होंगे, है ना, ये आपका कोर्स मटेरियल होने वाला है। अब बात करते हैं कौन सी बुक हमें कैसे पढ़ाई जाएगी। देखिए टोटल आपको 9 बुक्स दिखाई दे रही होंगी। पहले बुक की अगर हम, ये क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, जो हमारी पहली बुक है जिसका नाम है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसमें केवल थ्योरी का पेपर होगा, यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। तो ये जो शुरू के 3 कोड है हमारे, ये जो 3 बुक्स है हमारी, इसमें केवल थ्योरी के 20-20 नंबर यहाँ पर आपके हैं, यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल पेपर नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था जो 4th आपका है बी एल आई 124 ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, इसमें 10 नंबर की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, यानी कि यहाँ पर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो एक प्रैक्टिकल तो आपका ये हो गया, प्रैक्टिकल अगर हमें पता चल जाते हैं ना तो उससे हमारा कई बार डिग्री को करने का मन जो है ना इधर उधर भटकने लग जाता है। अभी हम फिक्स होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल को देखे कई बार हम डर जाते हैं। फिर बात करें अगर 5वें कोर्स की, तो ये कम्युनिकेशन स्किल की बात है, तो इसमें स्पेशली बस आपसे क्या होगा, थ्योरी पूछी जाएगी, 9 प्रैक्टिकल। इसके अलावा फिर आता है आपका ये मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, केवल थ्योरी, 9 प्रैक्टिकल, है ना। फिर लेकिन आता है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जब बात यह डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का मतलब केवल प्रैक्टिकल ही होगा, यहाँ पर कोई थ्योरी पेपर नहीं होने वाला। डन दोस्तों, तो एक प्रैक्टिकल तो आपको यहाँ देखने के लिए मिला और एक प्रैक्टिकल आपका यहाँ देखने के लिए मिला। फिर आता है आपका ये वाला कोर्स बी एल आई ई 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें केवल थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, है ना। और लास्ट अगर बात करें ICT इन लाइब्रेरी, इसमें प्रैक्टिकल भी है और इसमें क्या है, थ्योरी भी है। तो ये भी हो गया आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर आपके कितने प्रैक्टिकल होने वाले हैं, यहाँ पर आपके टोटल होने वाले हैं मेरे भाई कितने, 3 प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आपके होने वाले हैं और 3 प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी एक इंटर्नशिप भी होगी। और ये सब कुछ एक साल में इग्नू करा देगा। और इसके अगर आपने ये डिग्री ले ली तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर नौकरी कैसे मिलेगी, ये भी बता दीजिए। चलिए तो अब नौकरी की बात करते हैं। जब आप इस डिग्री को कर लेंगे दोस्तों, तो परसेंटेज मायने रखती है कि आपकी डिग्री में कितनी डिवीजन होगी। इग्नू की सभी, इग्नू से अगर आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कैसे पता करें कि फर्स्ट डिवीजन कैसे आती है, सेकंड डिवीजन कैसे आती है, थर्ड डिवीजन कैसे आती है, तो आप इसी कोर्स में बात भी जान लें। क्योंकि कमेंट में कई बार आप हमसे पूछते हैं कि सर फर्स्ट डिवीजन इग्नू में कैसे लाई जा सकती है। देखिए फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए इग्नू में कम से कम 60% नंबर आपके होने चाहिए, या उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। फर्स्ट डिवीजन के लिए आपके 60% नंबर होने चाहिए, तभी आपकी डिग्री पर फर्स्ट डिवीजन लिखा जाएगा। सेकंड डिवीजन के लिए आपके पास कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और थर्ड डिवीजन के लिए जिसे हम पास कहते हैं, इट्स नॉट अ थर्ड डिवीजन, केवल पास, जिसके 40% या ज्यादा नंबर होते हैं उसे पास की कैटेगरी में हम रखते हैं। जबकि हमें टारगेट करना है हर डिग्री को, हमें फर्स्ट डिवीजन से करना है। और अगर आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो इग्नू पर आपको मिलती है, इग्नू वाला की फ्री क्लासेस आपको मिलती है, इग्नू वाला पर कॉन्सेप्ट क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। साथ साथ हम तैयारी कराते हैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्ले सेक्शन में जाके अपने सब्जेक्ट कोड की तैयारी करना आप शुरू कीजिए, अगर आपको लेके आनी फर्स्ट डिवीजन। अब बात करते हैं नौकरी की, क्योंकि दोस्तों देखो जो छोकरी होती है वो तो मिल जाती है, लेकिन जो नौकरी आज के समय उसको लेना बहुत ज़्यादा कठिन है, है ना। तो नौकरी अगर तुम्हें लेनी है बीलिप से, तो बीलिप से नौकरी लेने का केवल एक सीधा सा पंगा है, यहाँ पर सीधा सा फंडा ये है कि लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है, ये पोस्ट जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये 355 पोस्ट जो है आपके 355 पोस्ट, ये KVS ने इस बार निकाली थी, KVS
2022 का जब नोटिफिकेशन आया था तो वहां से मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लगाया हुआ है आपका। लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट उसने निकाली थी लगभग 350 के आसपास ये पोस्ट, और उसमें उसने क्या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी मांगी ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी की बात ये कर रहा है कौन कौन KVS हमारा। तो देखिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस, वही क्या मांग रहा है घुमा फिरा के, ये आपसे मांग रहा है BLISC, है ना, क्या मांग रहा है BLISC मांग रहा है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा हटा दे तो क्या हो जाएगा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस। और यहाँ पर नौकरी लेने के लिए आपके पास मैक्सिमम एज है 35 साल, कितनी है 35 साल। तो उम्मीद है आपको पता चला होगा कि इसके बेस पर सरकारी नौकरियां भी बहुत सारी होती हैं और प्राइवेट भी। तो अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए डिग्री को लेकर, डिग्री इन्फॉर्मेशन क्लासेस चाहिए कि सर बता दीजिए 2-3 और डिग्री के बारे में ताकि हम एक बेहतर ऑप्शन ढूंढ पाएं, ये क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट हुई है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री क्लियर किया। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।